वेलकम टू सर पीपल दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि इंडिया एट किंग्स कप, तो किंग्स कप से पहले टीम इंडिया का क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि किंग्स कप जो थाईलैंड में आयोजित होने वाला है उसमें टीम इंडिया का पहला मैच होगा 5 जून को दोपहर 2 बजे कुराकाओ के विरुद्ध, जिसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट नेटवर्क और हॉटस्टार पर। और किंग्स कप के लिए टीम इंडिया का पूरा स्क्वाड और ऑफिशियल्स पहुँच चुके हैं थाईलैंड में, जहाँ उन्होंने अपना प्रैक्टिस सीजन स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं किंग्स कप के लिए टीम इंडिया का पूरा 23 मैन स्क्वाड के बारे में। किंग्स कप के लिए सबसे पहले इगोर स्टीमक ने 37 प्लेयर्सों को सिलेक्ट किया था प्रोबेबल स्क्वाड के लिए, जहां से उन्होंने बारी बारी 6-6 करके 2 बार 12 प्लेयर्सों को किंग्स कप के स्क्वाड से रिलीज कर दिया। और कल मतलब 1 जून को उन्होंने फिर से 25 प्लेयर्सों में से 2 प्लेयर्सों को रिलीज कर दिया और 23 मैन फाइनल स्क्वाड फॉर किंग्स कप का खुलासा किया। जिन 2 प्लेयर्सों को इगोर स्टीमक रिलीज किए उन 2 प्लेयर्सों का नाम है जॉबी जस्टिन और निशु कुमार। इगोर स्टीमक के इस डिसीजन पर बहुत सारे फैंस बहुत ही गुस्सा हो गए होंगे, क्योंकि जॉबी जस्टिन जो एक चहेते खिलाड़ी हैं इंडियन फुटबॉल फैंसों के, उनको उन्होंने 23 मैन फाइनल स्क्वाड से रिलीज कर दिया। और निशु कुमार भी, जिनको सभी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23 फाइनल मैन स्क्वाड में उनको जगह मिलेगा, लेकिन इगोर स्टीमक ने उनको रिलीज कर दिया। विभिन्न कोचों के विभिन्न डिसीजंस होते हैं, जो भी हो, जो भी जस्टिन और निशु कुमार के परफॉर्मेंस ने शायद इगोर स्टीमक को खुश नहीं कर पाए। फिर भी इगोर स्टीमक के फाइनल 23 मैन स्क्वाड फॉर किंग्स कप में जिन जिन को जगह नहीं मिला है, उनको इगोर स्टीमक ने एक रूटीन के तौर टाइम टेबल दे दिया है। सभी खिलाड़ियों को स्पेशली सिंगल सिंगल परफॉर्मेंस के अनुसार ये टाइम टेबल बनाया गया है, जिससे उनको किंग्स कप तो नहीं फिर अगले टूर्नामेंट इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए प्रिपरेशन में बहुत ही लाभदायक होगा। आशा करते हैं कि जिन जिन खिलाड़ियों को किंग्स कप में मौका नहीं मिला है, किंग्स कप के बाद जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप होने वाला है उसमें उनको जगह ज़रूर मिलेगी। तो आइए फिर नज़र डालते हैं फाइनल 23 मैन स्क्वाड पर। गोलकीपर्स पे है गुरप्रीत, अमरिंदर, कमलजीत। डिफेंडर्स में है प्रीतम, राहुल वेके, झिंगन, आदिल खान, सुभाशीष। मिडफील्डर्स में है उदंता, जैकी चंद, ब्रेंडन थापा, रेनियर फर्नांडेस, प्रणय हल्दर, विनीत राय, साहल अब्दुल, अमरजीत, ललियन जोला, चांगते और माइकल सुसैराज। फॉरवर्ड्स में है बलवंत, छेत्री, फारूक और मनवीर सिंह। दोस्तों, अगर आपको इस टीम के कोच रखा जाता तो आपका प्लेइंग 11 क्या होता, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में #playing11 लिखकर हमें बता सकते हैं। सभी कमेंट्सों के ऊपर नज़र रखे हुए कल हम बनाएंगे प्लेइंग 11 का एक वीडियो। आइए अब थोड़ा नज़र डालते हैं टीम इंडिया के ही दूसरा टीम, इंडिया अंडर 19 टीम खेलने जा रहे हैं ग्रैंड किन्स कप रशिया में, जहां टीम इंडिया को सबसे पहले 3 मुकाबले खेलने हैं। सबसे पहला मुकाबला होगा रशिया के विरुद्ध 4 जून को शाम 8:30 बजे, दूसरा मुकाबला 6 जून को मल्डोवा के विरुद्ध दोपहर 2:30 बजे, तीसरा मुकाबला 9 जून को बुल्गारिया के विरुद्ध वो भी दोपहर 2:30 बजे। टीम इंडिया बॉयज़ के अंडर 19 कोच फ्लाइट पिंटो ने 18 प्लेयर्सों को चुना है ग्रैंड किन्स कप के लिए, जिसमें गोलकीपर्स में है प्रभसुकन सिंह गिल, नीरज कुमार, डिफेंडर्स में है आकाश मिश्रा, मोहम्मद रफ़ी, समित राठी, शबास अहमद, जितेंद्र सिंह। मिडफील्डर्स में है संजीव स्टालिन, जैक्सन सिंह, निथिन गंबा मिथई, गिब्सन सिंह, विक्रम प्रताप, रिकी जॉन सांगबोंग, लाल चंद साइलो, मोहम्मद बेस्ट, रोबिन यादव। फॉरवर्ड्स में है हरमनप्रीत सिंह और रोहित दानु। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। साथ ही साथ आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि
मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।